इंडिया में पहला वीडियो जिन्होंने बताया पूरा सीपीयू को स्क्रैच करके कि बेसिकली ये सीपीयू में कितनी लेयर होती है। दोस्तों ये आपकी ड्रिलिंग की प्रैक्टिस पर है, बहुत आसान है, सिर्फ दो टूल के साथ, मैंने पहले बोला, इसके बाद सीधे बॉल। तो फिर से बता रहा हूँ, पहली ब्लैक, दूसरी ग्रीन, तीसरी ये देखिए, ये इसके बाद सीधा बॉल आएंगे। अब देखो मैं आपको बॉल भी दिखाता हूँ, अब आपको पूरी कॉपर वाली लेयर दिखाई दे रही होगी, देखिए होगी, मतलब ये पूरी की पूरी लेयर, यहाँ पे भी आपके टेस्ट पॉइंट होंगे, पर ये ग्रीन लेयर इसको सिर्फ एक तरह से ढक कर रखती है, सिर्फ इतने पॉइंट छोड़ के कि सारा हिस्सा ग्रीन रहता है, और ये सारा हिस्सा पूरा ना आपका ग्राउंड रहेगा। तो क्या होगा अगर यहाँ से जंपर लेंगे और गलती से इतना। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है देव अग्रवाल, और दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, छोटा सा है ये, हमारे ग्रुप के अपडेट के लिए भी है, कि अगर आप ड्रिलिंग सीख रहे हैं कहीं पे या करना चाहते हैं तो छोटे सी ट्रिक दे देते हैं कैसे करते हैं। YouTube में बहुत सारे वीडियो होंगे, पर एक ये वीडियो भी हो सकता है आपको फायदेमंद पड़े। तो मैं एक बोर्ड में प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ, एक चालू बोर्ड नहीं है बट एक दिखा रहा हूँ कि ड्रिलिंग कैसे होता है, प्रैक्टिकल आपको करना है, सीखना आपको है। तो देखिए ड्रिलिंग करने के लिए क्या क्या चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ, पहले यहाँ पे टूल दिखा देता हूँ। एक पैन यूज़ कर लो और एक 11 नंबर का ब्लेड, नया ब्लेड यूज़ करना ऑलवेज। शुरू में क्या होता है, इसके ऊपर का जो कॉर्नर होता है ना वो घिस जाता है, फिर उसमें टाइम लगता है, हालांकि मैं इस ब्लेड से ही कर लेता हूँ, कोई नहीं है। और ये हमारा पैन, ठीक है, तो ये ड्रिलिंग पैन बोलते हैं, छोटा सा पैन है। तो आप देखिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके बोर्ड में कितनी लेयर्स हैं, तो लेयर्स का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ, देखिए ड्रिलिंग क्यों करना है। देखो मैं आपको ना ड्रिलिंग कहाँ बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ नोट फोर के बोर्ड में, जैसे देखिए ड्रिलिंग हमने यहाँ पे की हुई है। ये आप ड्रिलिंग करने का मसला ये जाता है कि जैसे आईफोन में एरर 9 हो तो खैर बहुत सारे लेयर्स होते हैं क्योंकि डबल डेकर सीपीयू है, यहाँ पे खैर इतने लेयर्स नहीं है क्योंकि यह सिंगल सीपीयू है। ड्रिलिंग क्यों करना होता है कि अगर आपके पास में कोई ओप्पो वीवो या कुछ इस तरह के फ़ोन आ रहे हैं जो UFS के साथ है, तो उसमें सीपीयू के अंदर आपकी RITS की लाइन होती है, जो कि उसके अंदर आपको जो लाइन होती है जिसे हम जंपर मारते हैं, कमांड क्लॉक, वो सब नहीं होता है, वो सब RITS के साथ होता है। तो वो सब सीपीयू में होता है, तो आपको सीपीयू ड्रिल करना होता है अगर आपको उसको अनलॉक करना है। तो सिंपल है, आप सीख सकते हैं, कुछ भी जादू कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा प्रैक्टिस, 2-3 बोर्ड पे प्रैक्टिस कर लो कि बहुत इजी हो जाएगा। डायरेक्ट कस्टमर के बोर्ड में मत करना, 1-2 बोर्ड पे प्रैक्टिस कर लेना। तो देखो कैसे करना है, पहले मैं बता दूं कि कितनी लेयर्स पे आएगा। तो उसके लिए देखो बेसिकली इसके अंदर कितनी लेयर्स होती है मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे ना पहली लेयर्स आपकी ब्लैक, दूसरी ग्रीन कलर की, तो आपको ग्रीन कलर पे ही रुक जाना है, क्योंकि आप अगर ग्रीन कलर पे रुक जाते हैं तो आपको ना जंपर बहुत इजीली उठा लेंगे, क्योंकि अगर आप ग्रीन कलर उठा देंगे तो आप यहाँ से भी जंपर उठा सकते हैं, पर यहाँ पे क्या होगा कि ये सब ग्राउंड है। आप देखो टेस्ट पॉइंट दिख रहा है आपको, ये टेस्ट पॉइंट के अलावा सब कुछ जितना भी है सब ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ से अगर आप थोड़ा सा भी रंगा फैल गया तो आपका शॉर्ट हो जाएगा लाइन, आपका गेम खत्म हो जाएगा, तो आपको ट्रैक कट करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ग्रीन पे ही काम हो जाता है सीपीयू में ना, पहली लेयर हटाओ ब्लैक, उसके बाद ही ग्रीन आ जाती है। तो अगर इसमें कितनी लेयर होंगी, तो एक सीपीयू का, फिर एक ग्रीन, फिर एक कॉपर, फिर उसके बाद में ये देखिए इस तरह की जो लेयर है, एक चौथी लेयर, उसके बाद में मेन लेयर आपकी आपकी आ जाती है। मैं लेयर्स आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ दिखाइए, देखिए ये आपका सीपीयू है, तो ये आपका सीपीयू ब्लैक लेयर, फिर उसके बाद में एक और लेयर आती है, तो ये आपका आता है ग्रीन लेयर, और इसी ग्रीन लेयर पे ना आपको टेस्ट पॉइंट मिल जाते हैं, ये आपके होते हैं TP। तो बेसिकली ये आपके होते हैं TP, आपको इन टेस्ट पॉइंट को पकड़ना है। अगर आप इसको भी स्क्रैच करेंगे तो इसके बाद जो आपको लेयर मिलेगी, तो ये वाली जो लेयर होगी ये आपकी कॉपर की लेयर होगी, बेसिकली आपको कॉपर वाली लेयर होगी, मतलब ये पूरी की पूरी लेयर, यहाँ पे भी आपके टेस्ट पॉइंट होंगे, पर ये ग्रीन लेयर इसको सिर्फ एक तरह से ढक कर रखती है, सिर्फ इतने पॉइंट छोड़ के कि सारा हिस्सा ग्रीन रहता है, और ये सारा हिस्सा पूरा ना आपका ग्राउंड रहेगा। तो क्या होगा अगर यहाँ से जंपर लेंगे और गलती से इतना पॉइंट स्क्रैच हुआ या फिर इतना रंगा लग गया, तो ये वाला एरिया ग्राउंड हो जाएगा। उसके बाद एक और लेयर आती है आपकी, तो ग्राउंड के बाद लेयर आती है, उस लेयर के बाद में फिर आपके बॉल्स होते हैं, ये फिर ही आपके बॉल्स होते हैं। तो बेसिकली या तो इसका सही फंडा ये है, या सीपीयू को रिबॉल कर लीजिए, क्योंकि सपोज हम जो कर रहे हैं, मान लीजिए
एक समझाने के लिए नोट 4 का रीसेट आरएसटी लाइन। अब आरएसटी लाइन क्या होगा, अगर ये पैड मान लीजिए ड्राई सोल्ड हो गया तो देखिए सारे गोले बने हुए हैं, सिर्फ ये पैड, ये जो आपका बॉल है ये ड्राई सोल्ड हो गया है, ये कनेक्ट नहीं है। आप देखिए तो इससे क्या होगा, ये वाला जो पैड है ये काम नहीं करेगा, तो आप इसको चाहो तो रिवॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा। बाकी अगर आप रिवॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो पहली लेयर स्क्रैच करेंगे तो इस लेयर पे आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीन लेयर है, ये तरह से प्रोटेक्शन लेयर है, तो बेसिकली इतने पे आपको काम करना है। देखिए तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, नेकर पे मत लेना, चड्डा पहना नहीं ले रहे ना। तो देखिए कैसे, तो सबसे पहले देखिए आप ओप्पो वीवो के उसमें बोर्ड में कर लेना। सबसे पहले अपना एरिया बनाइए कि आपका कितना एरिया है, और इसके फोटोज कैसे निकालना है गूगल में निकाल लेना यार, सब कुछ दिया हुआ है, कुछ यूट्यूब वीडियो या कुछ भी गूगल से देख लेना, सब कुछ आजकल मार्केट में सारा चीज अवेलेबल है, कहीं पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, रिसेट लाइन के लिए ना आपको ये डायोड है ना, ये डायोड के कॉर्नर यहाँ से इतना कॉर्नर इतना लेके चलना है बस, ये देखिए। क्योंकि हम सीपीयू, देखो सीपीयू तब तक डैमेज नहीं करोगे तब तक जब तक ये लेयर आपकी डैमेज नहीं होगी, ये लेयर मेन होगी, एक दो ये वो आपकी नॉर्मल लेयर, ये तो है ही आपकी सिलिकॉन की लेयर जो आपने देखते होंगे, जो आपके ऊपर बोर्ड के ऊपर ये प्रोटेक्शन लेयर ब्लैक कलर की डली रहती है, तो ये तो है ही। सेमीकंडक्टर लेयर है, तो ये सेमीकंडक्टर लेयर है, ये लेयर आपकी ग्रीन लेयर, ये प्रोटेक्शन लेयर होती है। उसके बाद ग्राउंड वाली कॉपर लेयर, ये आपकी मेन लेयर है, इसके नीचे ही बॉल्स होते हैं। तो बेसिकली हमको इस लेयर को हार्म नहीं करना, पहली दूसरी तीसरी, तो तीसरी लेयर को हार्म करेंगे ना तो सीपीयू डैमेज हो जाएगा। देखें तो आप चाहो तो अच्छा देखो, सबसे पहले थोड़ा सा है ना हल्का सा आधा, मतलब अब देखो ये लेयर कितनी बड़ी है, ये लेयर बहुत मोटी होती है, तो इसको है ना इतना आधा इतना आप पेन से निकाल लो, इतना इतना पोर्शन आप पेन से निकाल लो, बाकी का पोर्शन आप निकालिए इससे। तो देखिए ये पेन सब मार्केट में मिलता है, देखिए बस इतना मैंने निकाल लिया, और इस तरीके से ये आते हैं एयरबड, ये ले लो, ठीक है। अब मैं और भी कर सकता हूँ, पर मैं अपनी ग्रीन लेयर को डैमेज नहीं करना चाहता, ठीक है। तो अब हम यूज करेंगे, तो इसको करना क्या है, इसको पकड़ना कैसे, देखो ऐसे नहीं पकड़ना है, इसको पकड़ना है ऐसे यहाँ पर इस तरीके से, इस तरीके से नीचे, और फिर इसको रगड़ना है ऐसे यहाँ पर। फिर मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे पकड़ेंगे कभी नहीं होगा, इसको नीचे, ठीक है, और एक डायरेक्शन में चलाइए, और थोड़ी थोड़ी देर में इस पर थिनर डालिए और अपनी लेयर की पोजीशन को चेक कीजिए। हमें ग्रीन लेयर को हार्म नहीं करना है दोस्तों, मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर होती भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम उस पर फिर यूवी ग्लू डाल के उसको बना सकते हैं।
देखिए, और आपको ये लेयर बिल्कुल स्पष्ट नजर आती हुई, थोड़ा सा हम ऊपर से और ले लेंगे, दिख रहा है इसमें क्लियर? ज़ूम कर रहे हो उसमें? हाँ। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा ये बीच का और हटा लेते हैं। तो देखिए, ये आपको स्पष्ट दिखती हुई अब मुझे बताइए, क्या इसमें कोई बहुत बड़ा काम है? सिर्फ प्रैक्टिस। देखिए, अब जैसे सपोज आपको किसी पैड पर जंपर लेना है, तो आप सिर्फ उस पैड पर स्केच कर दीजिए, तो हम उस पैड पे स्क्रैच कर देंगे। देखिए, तो हम बड़ी आसानी से इस पैड को स्क्रैच कर दें। अगर ये लेयर आप हटा देंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा, क्योंकि आप फिर ये जो लेयर है ना, ये हट जाएगी तो यहाँ पे ये ग्राउंड आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्राउंड पे नहीं आपको हटाना है। अब यहाँ पर आप यहाँ से जंपर लेके इस पर पूरा यूवी ग्लू डाल सकते हैं। ये देखिए, आप किसी भी पैड से किसी भी पैड से आप चाहे तो जंपर लगा सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर है, और यही बहुत आसानी से हम सिखाते हैं इसे टेलीकॉम। ये देखिए, ये सिर्फ प्रैक्टिस पर है। बट अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं दूसरे दिन में सीख जाऊं, तो ये नामुमकिन है। इसलिए हम अपने स्टूडेंट को पहले अपना, हमारा एक सिस्टम होता है सिखाने का, हम ये दूसरे दिन में स्क्रैचिंग कभी नहीं बताते, क्योंकि कोई लेवल नहीं है। स्क्रैचिंग का लेवल तब है जब आपको सब कुछ आता हो और एक मास्टर लेवल पे पहुंच गए हो। अब आप चाहते हैं कि सीपीयू रिबॉल नहीं करना, अब आपको टेस्ट पॉइंट है। तो आप देखिए यहाँ पर कितना क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है, देखिए सीपीयू, ना आपका सीपीयू डैमेज हुआ, क्योंकि सीपीयू कब तक डैमेज नहीं होगा। आप देखिए, अगर मैं इस लेयर को भी खरोच देता हूँ ना, तो आपको है ना फिर ये दूसरी, ये देखिए तीसरी लेयर आपको मिलेगी, जैसे मैंने बताया ग्राउंड वाली। देखो ये वाली लेयर मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल के लिए ही है और आप सीखने के लिए यहाँ पर हैं। तो देखो, अगर मैं ये लेयर को खरोच देता हूँ, देखिए
मिलन का वीडियो कॉल आ रहा है? नहीं नहीं, वो रूम के बगल में रहता है, उसी का पार्ट। तो देखिए, मैंने उसको जैसे खरोच लिया है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप देखिए, अब आपको पूरी कॉपर वाली लेयर दिखाई दे रही होगी, देखिए पूरी कॉपर की। आप चाहें तो यहाँ भी जंपर लगा सकते हैं, पर अगर आपको यहाँ पर टच हुआ तो ये पूरा ग्राउंड है, ये पूरा ग्राउंड है जो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए मल्टीमीटर में एक पूल टेस्टिंग करता हूँ आपके सामने, ये देखिए, ये तो मैंने जहां जहां मैं उस पर टच कर रहा हूँ वहां वहां उसको जीआर मिल रहा है। बाकी ये पूरा एरिया देखिए ग्राउंड है, बाकी जहां जहां मैं उधर टच करूंगा वहां पे उसका जीआर मिलेगा ऑब्वियस है, ये देखिए। और अगर उसके बाद की लेयर भी दिखाता हूँ ये समझाने के लिए कि जो मैंने यहाँ पे बताया वो है कि नहीं है, ये देखिए। अगर आप इस लेयर को खोचेंगे तो देखिए, पहला आपका आया ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर ये आपकी तीसरी थर्ड कॉपर। अब इसके बाद एक लेयर और आएगी, वो किस कलर की होगी वो भी मैं आप फोटो खींचते लेना। देखो मैं आपको पहले बता, फोटो खींचते हर लेयर की फोटो खींचना, ये आपको पूरे YouTube में ऐसा अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा, सिर्फ एशिया टेलीकॉम दिवेदन अग्रवाल यहाँ पर, जो आपको पता चलेगा कि किस लेवल पे आपको सीखना है यहाँ पर। कैमरा थोड़ा ठीक, कैमरा ये देखिए, ये कलर है आपका, पहला ब्लैक, दूसरा ग्रीन, तीसरा कॉपर और चौथा इस तरह का कलर मिलेगा। अगर आप ये वाली लेयर को काट देंगे, देखिए जैसे कि मैंने हमेशा कहा, ये देखिए, अगर आप ये पहला देखिए, पहला आपका ब्लैक, दूसरा आपका ग्रीन, अगर आप तीसरा कॉपर लेयर को काट देंगे तो आपकी ट्रैकें कट जाएंगी, फिर आपका सीपीयू डैमेज हो जाएगा। कि देखिए ये ट्रैकें दिख रही हैं आपको, यहाँ पे ये कट गई हैं, ये देखिए ये कलर है, मैं इसको क्लीन करके दिखाता हूं थोड़ा सा, ये देखिए, ये इसके बाद सीधा बॉल आएंगे। अब देखो मैं आपको बॉल भी दिखाता हूं, ये देखिए, इसके बाद सीधा बॉल, मतलब इसके बाद खेल खत्म, खेल तो इसके पहले ही खत्म हो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, इसके बाद सीधे बॉल। तो फिर से बता रहा हूं, पहली ब्लैक, दूसरी ग्रीन, तीसरी कॉपर, चौथी ये आपकी इस कलर में, और पांचवी आपका खेल खत्म। देखिए आप, तो इंडिया में पहला वीडियो जिन्होंने बताया पूरा सीपीयू को स्क्रैच करके कि बेसिकली सीपीयू में कितनी लेयर होती है। दोस्तों ये आपकी ड्रिलिंग की प्रैक्टिस पर है, बहुत आसान है, सिर्फ दो टूल के साथ, मैंने पहले बोला ये दो टूल है, इसके साथ आप ड्रिल कर सकते हो किसी का भी सीपीयू। ये आप देख रहे हो पीछे, इसके साथ मुझे भी दिखाना, वो भी दिखाना, ये देख रहे हो, तो ये आपका सीपीयू, ये इस तरह से आप इसको ड्रिल कर लोगे। ये नॉलेज आपको लेना है, आपको पता होना चाहिए आपके सीपीयू को रिवॉल्व करते हैं उसमें बेसिकली कितनी लेयर है। अगर ये आईफोन की बात करते हैं ना, तो आईफोन में क्योंकि डबल लेयर होती है इसलिए उसमें 6-7 लेयर ऐड हो जाती है, क्योंकि पहली रैम की भी लेयर, फिर बाद में सीपीयू की भी लेयर, पर बेसिकली पूरा गेम यही है। तो आई होप
आपको समझ में आया हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो और इंटरेस्टिंग, वीडियो को और सब्सक्राइब करो, और अगर क्लास वाकई में लगा करता है, ज्वाइन करना है तो कॉल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। 4G CPU से लेकर आपने लास्ट डे क्या करके गए बताइए? डबल डेकर किया आपने। बैकअप के स्टूडेंट भी आपके साथ में आए थे, तो कि तो आपको ये देखकर और अच्छा लगा होगा कि एक इंस्टीट्यूट बैकअप को भी सपोर्ट दे रहा है ना, मतलब पुराने स्टूडेंट को भी बुला रहा है, सपोर्ट दे रहा है। लास्ट डे क्या करके गए आप? लास्ट डे हम लोगों ने डबल डेकर CPU को मतलब जो है निकाले और उसके बाद रिबोल भी किया, उसको लगाए भी पूरा पूरा। लास्ट डेट आपने क्या किया सर? डुअल टेकर सीपीयू आपने रिबोलिंग किया, निकाला, क्लीन किया, वो मैटर समझ में आया आपको? बिल्कुल सर। CPU भी किया। लास्ट डे क्या करके गए? लास्ट डबल डेकर किया है। डबल से लास्ट डे क्या करके गए सर? डबल टेकर किया लास्ट में। डुअल टेकर किया ना आपने? लास्ट डे क्या किया? डबल डेकर CPU करके गए। जाता हूं, आखिरी दिन आपने क्या किया सर? डबल डेकर CPU। और इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?